हेलो अरसलान आजकल आप आ, काफ़ी बिजी हैं लेकिन हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे कुछ आपसे सवाल करना था हमें कोई बात नहीं जी बताएं हेलो एवरीवन वेलकम टू क्वालिटी फूड सेफ्टी जी एक्चुअली आज मैं एक यूज्ड ऑयल जो मैं दो से तीन दफ़ा यूज कर चुकी थी जो मैं छान के रख देती हूँ मैंने उसको निकाला तो उसमें एक, एक बैड स्मेल थी अच्छा तो मुझे ये जहन में आया कि क्यों ना आपसे पूछा जाए कि इसके बारे में कि हम ऑयल जो यूज हुआ हुआ है उसको उसका क्या करें अच्छा इसको इस फोनना को इस चीज़ को हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑयल जब गर्म होता है बार बार खासतौर पर कुकिंग के लिए या फ्राइंग के लिए या अगर ऑयल बहुत देर के लिए गर्म टेम्परेचर में धूप में छोड़ दिया जाए उस वक्त भी ये होता है कि उसके अंदर जो उसका जो फैट है वो टूटना शुरू हो जाता है और ऑयल के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है मजा खराब हो जाता है उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी या रेंसिड हो जाना ऑयल का एक एग्जाम्पल आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जब कभी हम ऐसा होता है ना पाकिस्तान में या बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि आप कभी समोसा लेते हैं और सारे समोसे या सब सही होते हैं लेकिन कोई एक ऐसा निकलता है इसका टेस्ट बहुत खराब होता है जनरली ये वो एक समोसा होगा जो कि बहुत पुराने ऑयल में फ्राई किया गया होगा तो इस ऑयल को कहते हैं रनसेट अच्छा इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और कितनी बार आप यूज कर सकते हैं इसका ये है कि आप किस किस्म का खाना इसमें बना रहे हैं अगर आप कोई ब्रेडिड चीज़ इसमें बना रहे हैं जैसे फ्राइड चिकन है उसके ऊपर ब्रेड्स होते हैं ब्रेड क्रम्स होते हैं या चिकन स्ट्रिप्स हैं जिसपे आपने कोटिंग की हुई है तो वो तीन बार में मैक्सिमम चार बार में आपको ऑयल चेंज करना पड़ जाएगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि हर बार करने का उसको अच्छे से साफ करें छान लें और अच्छे से फिर सेव करके रखें उसको गर्म जगह पर नहीं रखें ठंडा करके फ्रिज में रखने की बात नहीं करो रूम टेम्परेचर पर ही लेकिन हाँ गर्म जगह पर ना रखें तो तीन बार मैक्सिमम या चार बार और अगर ऐसा कोई आइटम है जो कि ब्रेडिड नहीं है जैसे फ्रेंच फ्राइज है उसको सिंपल आलू है वो आप बना रहे हैं तो वो शायद सात बार चल जाएगा आपका लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब उसमें स्मेल आने लग जाए या उसका मज़ा ख़राब होना शुरू हो जाए उसको चेंज कर दें इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि डॉक्टर्स ने रिसर्च करिए इससे ये होता है कि अगर पुराने ऑयल को बार बार यूज़ किया जाए तो उससे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वान्टिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और उसमें और केमिकल हैजर्ड भी हो सकते हैं आ... एक थ्योरी ये भी कि उससे कैंसर के भी चांसेस बन सकते हैं लेकिन इसके अभी प्रूफ नहीं है लेकिन आप कोलेस्ट्रॉल वाला प्रूफ तो मौजूद है तो वो भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है तो ऑयल आपका क्यों, क्या कहेंगे कि आपके हेल्थ के लिए और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा इस तरह से कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑयल यूज करने के बाद उसको छान के बॉटल में रखकर उसको फ्रीजर में रख देते हैं और फिर लाइक पंद्रह बीस दिन के बाद या जब उनको भी जरूरत हुई दोबारा फ्राई करने की तो वो निकालते हैं और फिर उसको जो है थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ के फिर वो उसको यूज कर लेते हैं ये तरीका ठीक है या क्या करना चाहिए नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना मतलब ये तो ऐसे ही है कि कोई किसी चीज़ को फ्रिज में रखने की जरूरत है ही नहीं या फ्रीजर में रखने की जरूरत ही नहीं आप बेकार में रख के अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये क्यों कह लें कि अपने फ्रिज और फ्रीजर के के अंदर जगह कम कर रहे हैं खुद ही आप क्या जरूरत है ऐसा करने की ऑयल रूम टेम्परेचर पे घरों के अंदर सेफ रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो ये वाला मामला है वो दो सिनेरियो में दो केसेस में होता है या तो धूप में डायरेक्ट धूप में दिनों तक हफ्तों तक ऑयल रखा रहा है जब होता है या आप उसको बार बार कुकिंग या फ्राइंग फ्रेंकली इस्तेमाल करें जब होता है ऐसे ही ऑयल रखा रहा है उसको कुछ भी मसला नहीं है तो उसको फ्रिज में रख के अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करने की क्या जरूरत है ओके okay, सो so इस बारे में और कोई सवाल है ऑयल के बारे में नहीं दैट्स इट फॉर नाउ आई थिंक अब हम नेक्स्ट uh, सवाल के लिए आपको दोबारा डिस्टर्ब करेंगे ओके okay, डिस्टर्ब करने कोई बात नहीं है शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका क्वालिटी फूड सेफ्टी वन वन चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हम लोग और आपके लिए उर्दू कंटेंट भी लेके आएंगे हमारी कुछ और वीडियोस भी आ रही हैं जो कि कोविड की वैक्सीन के बारे में है और फूड सेफ्टी की हमारी बेसिक फूड सेफ्टी की सीरीज चल रही है उसको ज़रूर देखें होपफुली ये वीडियोस आपको अपने खाने को सेव करने के लिए और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मददगार साबित होंगी थैंक यू